सरयू के लिए लिखा है महाराज जी, सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है, निर्गुण ब्रह्म गंगा है तो सगुण ब्रह्म सरयू है, चरणों से उत्पन्न है गंगा जी तो नेत्रों से उत्पन्न है श्री सरयू जी। और एक विशेष बात है, जब समुद्र भी नहीं था, धरती पर कोई तालाब भी नहीं था, धरती पर कोई नदी झरना भी नहीं था, उस काल में सबसे पहले यदि सृष्टि के आरंभ में कोई जल प्रकट हुआ है तो वो जल है सरयू। महाप्रलय के पश्चात भगवान श्रीमन नारायण ने एकारणव जल में शयन किया, फिर भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने कृपा करके ब्रह्मा जी को अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। तो जब भगवान ने भक्त ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी साक्षात पुत्र हैं भगवान के, जब ब्रह्मा जी को देखा तो भगवान के हृदय में जो अपार भक्तों के प्रति वात्सल्य था वो उमड़ा, उद्वेलित हुआ। तो भगवान का भक्त वात्सल्य उमड़ा, इतना प्रेम जगा भगवान को कि भगवान का हृदय इतना द्रवित हो गया कि भगवान रोने लग गए। भक्तों के प्रति जो भगवान की करुणा है, भगवान का जो अनुराग है, भगवान का जो प्रेम है, वो भगवान के नेत्रों से बहने लग गया। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के देवता है ही हैं, तुरंत उन्होंने अपने मन से विचार किया कि इस भक्त वात्सल्य रूपी भगवान का द्रव, क्योंकि भगवान का सब कुछ भगवान है। एक बात सिद्धांत की समझ लेनी चाहिए, हम लोगों में शरीर शरीरी भेद होता है, शरीर अलग है और शरीरी आत्मा अलग है, लेकिन भगवान में ये भेद नहीं है। भगवान का शरीर भी भगवान, भगवान की इंद्रियां भी भगवान, भगवान की आत्मा भी भगवान, भगवान का रोम रोम भगवान, भगवान का पीतांबर, भगवान का मुकुट, भगवान की लकुट, भगवान की बंसी, भगवान के शंख चक्र गदापद, सब कुछ भगवान है। भगवान का सब कुछ भगवान है, वहां अंग अंगी भेद नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों से जल निकले तो वो ब्रह्मद्रवा गंगा जी हैं, तो भी वो भगवान है, और भगवान के नेत्रों से जल निकले तो भी वो भगवान है। ब्रह्म पिघल गया और पिघल करके जल रूप हो गया। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर की कल्पना की, और जैसे ही मन से सरोवर की कल्पना की, तत्काल हिमालय के शिखर पर मन से निर्मित एक सरोवर हो गया, जिसका नाम है मानस सरोवर। अब आजकल लोग मानस सरोवर में सा को तो लोग उच्चारण ही नहीं करते, सीधे कह देते मान सरोवर। भैया मान सरोवर नहीं है, मान सरोवर तो हमारे ब्रज में है, मान सरोवर तो ब्रज में है, कहाँ जमुना पल्ली पार, जहाँ हमारी ब्रिशभानुवंदनी रसेश्वरी रासेश्वरी कृष्ण प्राणवल्लभा श्री राधा रानी ने जहाँ मान किया है, उनके नेत्रों के जल से जो प्रकट हुआ वो मान सरोवर है, मान लीला जहाँ हुई। और ये मान सरोवर नहीं है, इसका नाम क्या है, मानस सरोवर। क्या नाम है, मानस सरोवर। ब्रह्मा जी ने अपने मानस से सबसे पहले सरोवर को प्रकट किया, और इस सरोवर में ब्रह्मा जी ने भगवान के नेत्रों के जल के जल को स्थापित किया। ये नेत्रों का जल स्थापित हुआ, यही सरयू जी बनी, यही सरयू जी बनी। सरात प्रवृत्ता सरयू, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इस मान सरोवर से निकलने के कारण, सर से निकलने के कारण इनका नाम सरयू हुआ। जब भगवान का नित्य साकेत धाम ही अयोध्या के रूप में धरती पर अवतरित हुआ, महामणिमंडप वैकुंठनाथ का अयोध्या के रूप में जब धरती पर अवतरित हुआ, श्री इक्ष्वाकु जी के विशेष वैवस्वत मनु जी की विशेष प्रार्थना पर, तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अत्यंत कृपा की और श्री रंगनाथ भगवान कृपा पूर्वक जो ब्रह्मा जी के ठाकुर जी हैं वो अयोध्या में पधारे। मनु जी ने फिर चरण पकड़ लिए, बोले महाराज वैकुंठनाथ का नगर तो यहाँ आ गया, साकेत धाम यहाँ आ गया, धरती पर देवता भी आ गए,
लेकिन तीर्थ की महिमा तो बिना जल के है नहीं, जल तो आया नहीं, तो कोई सृष्टि का सबसे पवित्र जल यहाँ आना चाहिए। उस समय कोई नदी उत्पन्न हुई ही नहीं थी, धरती पर कोई नदी ही नहीं थी उस समय जिस समय सरयू जी आई हैं। इसलिए धरती की सब नदियों में जेठी हैं सरयू, ज्येष्ठा हैं, इसलिए और जेठ में ही पैदा हुई। सरयू जी की जयंती इस ज्येष्ठ मास में ही है। अभी जो चौथी चतुर्थी पंचमी आएगी ना, ये सरयू जी की जयंती है ज्येष्ठ शुक्ल में। तो भैया बड़ी बहन की महिमा तो रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? सब जितनी नदियां हैं सब छोटी बहन हैं, सबसे बड़ी श्री सरयू जी हैं, सरयू सगुणा पुमान। तब श्री सरयू जी को लेकर के आए हैं और वहाँ जो बाण मारा है आज भी वो चिन्ह है जहाँ से मानसरोवर की जलधारा सरयू जी के रूप में अयोध्या आ रही है।